नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल एएसपी इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके बहुत जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दरभंगा जंक्शन और अहमदाबाद जंक्शन के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है साबरमती एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन दरभंगा जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 19166 और जब यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से दरभंगा जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 19165। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग एक ट्रेन के साथ है जिसका नंबर है 19168 वाराणसी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ट्रेन में कैटरिंग के लिए पेंट्री कार उपलब्ध नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग उपलब्ध नहीं है। आप इस ट्रेन में ई कैटरिंग के माध्यम से खाना मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन को दरभंगा जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन के बीच ले जाने और ले आने का काम चार तरह के लोकोमोटिव इंजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन है डीजल इंजन RTM WDM 3D, दूसरा लोकोमोटिव इंजन है डीजल इंजन RTM WDM 3A, तीसरा लोकोमोटिव इंजन है इलेक्ट्रिक इंजन BRC WAP 4E, चौथा लोकोमोटिव इंजन है इलेक्ट्रिक इंजन BRC WAP 5। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में दो SLR कोच हैं, 5 जनरल डब्बे हैं, 1 सेकेंड AC का कोच है, 2 थर्ड AC के कोच हैं, 13 स्लीपर डब्बे हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 23 डब्बे हैं। कभी कभी दोस्तों यात्रियों की डिमांड के अनुसार इस ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाते हैं जिन्हें SE यानी स्लीपर एक्स्ट्रा कोच के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन दरभंगा जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन की तरफ हफ्ते में 3 दिन जाती है, एक सोमवार, दूसरा बुधवार और तीसरा शनिवार। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 1935 किलोमीटर का सफर तय करती है और वह भी 46 घंटे 50 मिनट में। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 70 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 41 किलोमीटर पर घंटे की होती है और मैक्सिमम इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन टोटल 290 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों यह ट्रेन दरभंगा जंक्शन से चलती है, फिर लहरिया सराय के रास्ते समस्तीपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर हाजीपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर सोनपुर जंक्शन के रास्ते छपरा जंक्शन पहुंचती है, फिर सुरेमानपुर सहतवर के रास्ते बलिया पहुंचती है, फिर रसरा इंदिरा जंक्शन के रास्ते मऊ जंक्शन पहुंचती है, फिर मुहम्मदाबाद साथियों गांव के रास्ते आजमगढ़ पहुंचती है, फिर सरायमीर कोरोसन रोड के रास्ते शाहगंज जंक्शन पहुंचती है, फिर मालीपुर अकबरपुर जंक्शन गोसाईगंज अयोध्या जंक्शन के रास्ते फैजाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर सोहवाल रुदौली दयाबाद बाराबंकी जंक्शन के रास्ते लखनऊ चारबाग पहुंचती है, फिर उन्नाव जंक्शन के रास्ते कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, फिर भीमसेन जंक्शन पोखरिया कल्पी के रास्ते ओराई पहुंचती है, फिर ऐज जंक्शन मोर चिरगांव के रास्ते झांसी जंक्शन पहुंचती है, फिर बबीना तलबहर ललितपुर जंक्शन जखलौन दौरा के रास्ते बीना जंक्शन पहुंचती है, फिर मुंगौली पिपराईगंज अशोकनगर के रास्ते गुना जंक्शन पहुंचती है, फिर रुथियाई जंक्शन पहुंचती है, फिर विजयपुर कुंभराज चचौरा बिनागनी बयारा राजगढ़ पच्छोर रोड सरंगपुर साजापुर मकाई जंक्शन तराना रोड के रास्ते उज्जैन जंक्शन पहुंचती है, फिर नागदा जंक्शन कच्छ रोड के रास्ते रतलाम जंक्शन पहुंचती है, फिर नेगनगर दहोद के रास्ते गोधरा जंक्शन पहुंचती है, फिर छायापुरी पहुंचती है, फिर आनंद जंक्शन नादियाद मेहमदाबाद खेड़ा रोड मानीनगर के रास्ते अहमदाबाद जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब चलिए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारी नहीं दे रहा हूँ, एक इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और एक इस ट्रेन के किराए के बारे में, क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घट या बढ़ सकता है और टाइम टेबल भारतीय रेल लगभग हर साल चेंज करता है। दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई से नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।